हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यस्टरडी के AKN22 चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका के जो आंकड़े दिए गए हैं वह वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इस तरह का हमें देखिए प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार या माध्यिका दोनों एक ही होता है। तो देखिए, भार दिया गया किलोग्राम में, ये 40 से 45 के बीच है, ये 45 के और 50 के बीच में, 50 और 55, 55 60, 60 65, इस तरह से 65 से 70 और 70 से 75 दिया गया है। अब हमें इसमें देखिए विद्यार्थियों की संख्या दी गई, 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, इस तरह संख्या दी गई है। अब हमें इस माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे, हम हल करने के लिए सबसे पहले एक साड़ी बनाएंगे। साड़ी बना करके एक कालम में हम लिख देंगे भार, और भार को लिख देंगे किलोग्राम में, और दूसरे कालम में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, संख्या माने वह बारंबारता है उसकी, और तीसरे कालम में लिखना है संचयी बारंबारता। इस तरह से हम एक साड़ी की इस तरह के एक पहले एक एक बना लेंगे साड़ी। इस साड़ी को बनाने के बाद अब हम देखिए इनके मानों को जैसे दिया गया हम इसमें लिख लेंगे। देखिए जैसे लिखा गया 40 भार के ग्रह में, 40 से 50 हम यहाँ लिख देंगे, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ये दिया गया, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको बारंबारता दी गई है तो बारंबारता लिख देंगे। देखिए 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 बारंबारता लिखने के बाद अब हम इन की संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो संचयी बारंबारता हम देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए संचयी बारंबारता तो हम यहाँ देखिए ये 2 हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3, 2, 5 हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए 8 और 5, 13 हो जाएगा, ये 13 हो गया, इस तरह 13 और 6 ये 19 हो गया। इसके बाद देखिए 19 और 6 ये 25 हो जाएगा, 25 और 3 ये हो जाएगा 28, और 28, 2, 30 इस तरह से हम संचयी बारंबारता इनका निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के बाद अब हमें इसमें देखना है कि n कितना हो रहा है। तो n बराबर देख रहे हैं कितना है, देख रहे हैं कि n बराबर इसका कितना है, n बराबर इसका 30 है। n का मान कितना है, n का मान है n बराबर 30। तो n बराबर 30 है तो n बटे 2 कितना हो जाएगा, n बटे 2 आप निकाल सकते हैं। तो n बटे 2 माने हो गया ये 30 बटे 2, ये बराबर हो जाएगा 15। तो n बटे 2 का मान 15 आ गया। अब आपको देखना है कि 15 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 5 है, ये 13 है, तो 13, 14, 15 इसमें आ रहा है। तो यह हो गया, मैंने 15 इसी में आ रहा है। तो इसके ऊपर जो संख्या होगी उसको हम सी एफ लिखेंगे, ये हो गया सी एफ।
इसे सी एफ लिख देंगे और इस संख्या के सीध में जो बारंबारता होगी उसको हम लिख देंगे एफ। तो इसकी बारंबारता क्या हो गई, देख रहे हैं, इसकी बारंबारता हो गई एफ, ये हो गया एफ, एफ इसकी बारंबारता हो गई। और हम इसमें देखिए L1 और L2 इनके क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हो गया L1 और L2। तो हमें मालूम हो गया क्या क्या कि L1 L2 और L1 L2 का अंतर कितना है, देख रहे हैं 55 से 60, तो 55 से 60 5 का अंतर है। इस तरह से हमें मालूम हो गया कि H कितना हो गया, आप H निकाल लिए, H आ गया आपका 5 और F आपको मालूम हो गया कि F बराबर 6 हो गया। और आपको CF कितना हो गया, CF देख रहे हैं, CF ये है, CF ऊपर है, ये वाला CF है, तो CF इसका कितना हो गया, CF है CF बराबर 13, CF बराबर 13। अब इन्हीं से हम इसको सूत्र में लिखेंगे, सूत्र पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र क्या है, और देखिए L1 इसका कितना है, L1 55 है, L1 भी लिख लेते हैं, ये हो गया L1 बराबर 55। अब हम इसे फार्मूले से कर देंगे, तो फार्मूले में माध्यिका का क्या है, इसको माध्यिका भी कहते हैं या माध्यक भी लिख सकते हैं। अब लिख देंगे माध्यक बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस इस तरह से N बटे 2 माइनस CF, N बटे 2 माइनस CF और कुल के बटे F, और इसमें हम H का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा गुणे H। इसी फार्मूले से हमें करना है, हमें सब मालूम है, तो हम सब इसमें रख देते हैं। तो देख रहे हैं L1 कितना है, L1 का स्थान पर हम लिख देंगे 55, ये 55 हो गया, प्लस N बटे 2, N बटे 2 का स्थान पर मालूम है कितना है, 15 हो गया, आप यहाँ 15 लिख देंगे। CF देख रहे हैं आप निकाल चुके हैं, CF कितना है, 13 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 15 माइनस 13। और F आप निकाल चुके हैं, F देख रहे हैं कितना है, F 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। देखिए फिर गुणे में H है, H कितना है, H देख रहे हैं दिया गया है 5। तो अब आप इसी को गुणा करके धन जोड़ कर लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो आप लिख देंगे इसको, ये हो गया 55, ये 55 हो गया, और प्लस देखिए 15 में 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणे 5 और कुल के बटे 6 हो गया। इसको आप सरल कर सकते हैं, सरल करने कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो आ गया कितना, ये आ गया कि 55 धन 5/3। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 15 × 16 165 प्लस 5/3 हो जाएगा, तो आ गया कितना, ये आ गया 170 × 3 हो जाएगा। अब 170 में आप 3 का भाग देंगे कितना जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 15 बचा कितना, 20 बचा, तो 3 × 6 = 18। इसके बाद 20 आ रहा है, 3 × 6 = 18 इसको आप ऐसे बार बार लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसके कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बराबर 56.6, इसे लिख सकते हैं 6/7, और यही आपका माध्यक
हो गया, इसी को इसका माध्यिका भी कहा जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।